क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, विश्व कप 2019 के सांस रोक देने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की टीम ने धूल चटाकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में एक समय भारतीय टीम आसानी से हारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय टीम के दो विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ के भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के बेहद नजदीक लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन गलत समय पर विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम को ये जीतता हुआ मुकाबला हारना पड़ा। वैसे तो हम आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले रविंद्र जडेजा को एक मामूली ऑलराउंडर माना जाता था, लेकिन इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते रविंद्र जडेजा ने सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल में जगह बना ली है। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा की इस लाजवाब पारी के पीछे एक महान क्रिकेटर का उतना ही ज्यादा बड़ा हाथ है जितना कि जडेजा का। उन्होंने दबाव भरे सिचुएशन में जडेजा को बल्लेबाजी के लिए मार्गदर्शन किया और गलत फैसले लेने से रोका। दोस्तों, वो महान खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी था। दोस्तों, इस मुकाबले में हमने साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को जडेजा की बल्लेबाजी के दौरान एक के बाद एक महत्वपूर्ण राय देते हुए देखा, जिसके फलस्वरूप जडेजा ने एक लाजवाब पारी अपनी टीम के लिए सेमीफाइनल जैसे महामुकाबले में खेली। इसके बारे में बात करते हुए जडेजा ने कहा कि मैं मेरी बल्लेबाजी से बेहद ज्यादा खुश हूँ। विश्व कप जैसे बड़े स्टेज पर ऐसी बेहतरीन बल्लेबाजी करना मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर पाता अगर नॉन स्ट्राइक रेट पर मेरा साथ महेंद्र सिंह धोनी नहीं देते। उन्होंने कहा कि धोनी ने हर बार मुझे एक के बाद एक बड़े शॉट खेलने से रोका। उन्होंने मुझे रन रेट के मुताबिक बल्लेबाजी करने को कहा और मैं उनकी बात हर बार मानता रहा और इसी के चलते मैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए ये बेहतरीन पारी खेल पाया। उन्होंने कहा कि धोनी जैसा अनुभवी खिलाड़ी भारतीय टीम को आगे मिलना नामुमकिन है, क्योंकि धोनी जितना क्रिकेट खेले हैं उतना आज तक हमारी टीम में कोई नहीं खेला है। इसी वजह से उनका टीम में होना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या आप जडेजा की बात से सहमत हैं और क्या महेंद्र सिंह धोनी को अभी भी भारतीय टीम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।